दोस्तों बिग बॉस सीजन 16 का आज का एपिसोड तो वाकई काफी दिलचस्प और काफी धमाकेदार रहा, क्योंकि दोस्तों आखिरकार घर वालों को कोई तो मिला जो कि साजिद खान को बराबर की टक्कर दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, अर्चना गौतम ने आज जिस तरीके से साजिद का मुंह बंद करवाया वो वाकई काफी दिलचस्प और काफी धमाकेदार था। दरअसल दोस्तों साजिद खान यहां पर अर्चना से अपनी मनमानी ड्यूटी करवाना चाह रहा था, लेकिन अर्चना गौतम ने भी कह दिया कि मैं तो नहाने के बाद कोई काम नहीं करने वाली। लेकिन दोस्तों इसके बाद में घर के अंदर हद तो तब हो गई जब साजिद खान ने इस बात का बदला लेने के लिए अर्चना गौतम का जो चोरी वाला टास्क था उसमें अर्चना के अलावा घर के सभी कंटेस्टेंट को राशन लेने दिया और अर्चना के लिए उन्होंने मना कर दिया। हालांकि कहीं ना कहीं टास्क दौरान साजिद खान सही भी था, क्योंकि अर्चना गौतम आखिरी कंटेस्टेंट थी जो कि बजर बजने के बावजूद सामान को उठाए जा रही थी। लेकिन इसके बाद में अर्चना गौतम ने इसी बात को लेकर घर के अंदर मुद्दा खड़ा कर दिया और साजिद खान को कह दिया कि इसके अंदर तो बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा लिचड़ आदमी है, केवल अपने बारे में सोचता है। ये बात कहीं ना कहीं साजिद खान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद में साजिद खान ने भी अर्चना गौतम को कह दिया कि तू ऐसे शब्द बोल के मुझे जानबूझ के प्रवोक कर रही है। लेकिन इसके बावजूद जब अर्चना नहीं मानी तो साजिद ने कहा कि चल ठीक है, तुझे अगर प्रवोक करना है तो ठीक है, तू ढंग से ही प्रवोक कर, फिर देख मैं क्या करता हूँ। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर सौंदर्य शर्मा ने अर्चना को पकड़ कर रूम में ले गई, वरना तो हो सकता था कि जिस काम के लिए साजिद खान का इतना नाम हो रखा है आज वो घर के अंदर एक बार फिर से वैसी ही कुछ हरकत कर डालते। फिलहाल दोस्तों साजिद की इस हरकत पर आप क्या कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।